हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद अवर रीडिंग ऑफ लेसन वन, हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। वी हैव लर्न्ड द एवर चेंजिंग ओपिनियंस ऑफ द राइटर्स फादर आफ्टर ग्रोइंग अप व्हाट ही वांटेड टू बी। फर्स्ट ही वेंट फॉर द नाइट वॉचमैन, देन ही डिसाइडेड टू बी एन आइसक्रीम मैन, आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू बी अ शंटर, and later on he wanted to go with both the jobs of a shunter and an ice cream man. Now let's see what will happen next. It was all settled, sab kuch tay ho chuka tha, but then daddy wanted to be a pilot. Tab papa pilot banna chahte the. Later on again he changed his opinion, then he wanted to be an actor, और उसके बाद फिर से एक actor की तरफ he shifted his mood to be an actor, कि अब मैं एक actor बनूँगा, but after grandpa took him to a factory he decided to be a turner. फिर एक दिन जब दादाजी, जो little daddy के दादाजी हैं, वो उन्हें एक factory लेकर गए, तब father ने decide किया कि now he wanted to be a turner. Students, turner वो person होता है बेटा that operates machine. Besides, he wanted to be a sailor. Later on, he again changed his decision and he wanted to be a sailor. एक नाविक बनना चाहते थे और at least a shepherd. और कम से कम, या तो कम से कम एक shepherd तो ज़रूर ही बन जाऊँ. Shepherd कौन होता है बेटा? Who takes care of sheep, जो भेड़ों की देखभाल करते हैं. And spend his days walking about with his cows. और कहता है कि और मैं अपना पूरा पूरा दिन जो है वो अपनी cows के साथ, अपनी गायों के साथ बिताऊँगा. Cracking his whip loudly. और किस तरह से बिताऊँगा? And I will be free to crack my whip. Crack होता है to produce a loud sound and whip means बेटा चाबुक, जिससे आप you can beat any animal or any person you know very harshly. तो कहते हैं आई विल बी फ्री टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड आई विल बी स्पेंड ऑल माई डेज विद माई काउज. शेफर्ड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द काउज. सो ही वॉन्टेड टू बी अ शेफर्ड. एंड नेक्स्ट, फाइनली नाउ द फाइनल डिसीजन इज गोइंग टू कम अप. फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वॉन्टेड टू बी अ डॉग. माई गॉड. और आखिरकार उन्होंने क्या डिसाइड किया? कि मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ. All that day he ran around on all fours. और इसलिए वो पूरा दिन ना सभी चीज़ों पर भागते रहे, like a dog. As a dog keeps on moving on all the things and all the day, the dad also did the same. उन्होंने भी यही सब किया. Barking at strangers. और जितने भी अजनबी, strangers means अजनबी, जितने भी अजनबी आए उनके ऊपर वो भौंकते रहे. He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pet his head. और उन्होंने एक बहुत ही, you can also see the picture, enjoy the picture. और father ने क्या किया कि एक जो एक बड़ी जो ladies आई, उन्होंने प्यार से daddy के सिर पर हाथ रखा, उनको tap किया, तो father ने उनको काटने की भी कोशिश की, similar to a dog. My God, you can also see he is trying to act like a dog. Little daddy learnt how to bark very well. अब छोटे पापा ने ये सीख लिया था कि भौंकना किस तरह से है, किस तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से भौंकना है. But he couldn't learn how to scratch behind his ears with his foot. लेकिन वो ये नहीं सीख पाए कि अपने कान के पीछे किस तरह से खुजलाना है, स्क्रैच करना है, खुजली करना है. As you know that dogs often do. Though he tried very hard, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, even then he couldn't learn how to scratch behind the ears. He thought that if he went outside and sat next to Rover. Rover is the name of the street dog. उन्होंने सोचा अगर मैं बाहर जाऊँ और Rover के साथ बैठूँ, he would learn more quickly, तो मैं जल्दी से सीख जाऊँगा. That's exactly what he did. और उन्होंने यही काम किया भी. My God, he was so keen to be a dog. Just then an officer came walking down the street. तभी एक officer जो थे वो सड़क पर चलते हुए आए. He stopped and looked at daddy. वो रुके और उन्होंने daddy की तरफ देखा. He watched him for a while and then he asked. कुछ देर उन्होंने डैडी को देखा और तब उनसे पूछा what are you doing, तुम क्या कर रहे हो. I want to be a dog, little daddy said.
अब पापा तो बहुत छोटे थे उस टाइम, तो उन्होंने उतनी ही इनोसेंटली जवाब दिया कि मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू रिमेन ह्यूमन? देन अगेन ऑफिसर ने क्वेश्चन किया, क्या तुम इंसान नहीं रहना चाहते हो? आई हैव बीन अ ह्यूमन बींग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डैडी सेड। तो पापा ने कहा कि मैं बहुत टाइम से ह्यूमन बींग ही तो हूँ, इंसान ही तो हूँ। वॉट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बींग आर यू? तो फिर अगेन ऑफिसर ने क्वेश्चन पुट किया कि तुम किस तरह की ह्यूमन बींग हो? इफ़ यू कांट इवन बी अ डॉग, अगर तुम एक डॉग भी नहीं हो सकते हो, इज दैट वॉट अ ह्यूमन बींग इज लाइक? क्या एक इंसान को इस तरह से होना चाहिए? वेल वॉट इज़ ही लाइक, डैडी आज? तो डैड पापा ने पूछा, डैडी ने पूछा कि अच्छा तो फिर किस तरह का होना चाहिए? यू थिंक यू अबाउट इट योर सेल्फ, द ऑफिसर सेट एंड वॉकड अवे। तो ऑफिसर ने जवाब दिया, तुम खुद इसके बारे में सोचो, और ऑफिसर वहाँ से चले गए। नाउ वी आर डूइंग द रीडिंग दैट इज गिवन एट पेज नंबर 4। He wasn't laughing and didn't even smile. Now the author is saying that my father, the little daddy, ना तो वो हंसे और ना ही उन्होंने smile की. But little daddy suddenly felt much ashamed of himself. लेकिन बेटा अचानक ही, suddenly means अचानक, all of sudden. लेकिन अचानक से ही ना जो little daddy हैं उन्हें अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस हुई. And he began to think, और उन्होंने सोचना शुरू किया. He thought and the more he thought, उन्होंने सोचा सोचा और बहुत ज़्यादा सोचा, the more ashamed he was of himself, और जितना वो बच्चे सोचते गए उतनी ही उन्हें अपने ऊपर शर्म आती गई। द ऑफिसर हैड नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग टू हिम, ऑफिसर ने सभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था लिटिल डैडी को, बट ही सडनली अंडरस्टूड दैट ही कुड नॉट चेंज हिज माइंड एवरी डे। लेकिन अचानक ही लिटिल डैडी को ये बात समझ आ गई थी कि वो रोज़ ही अपना माइंड जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड वॉट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज टू स्मॉल टू नो वॉट ही वॉन्टेड टू बी। और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि वो बहुत छोटे थे अभी ये जानने के लिए कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। बिकॉज बेटा जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारी हॉबीज़ हैं, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही डिवेलप होती हैं ना, एकदम से हम नहीं, वी कांट जज कि हम क्या बन सकते हैं या क्या बनना चाहते हैं। लेटर ऑन वी कम टू नो कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ही रिमेंबर्ड द ऑफिसर एंड सेड। और अगली बार बच्चे जब लिटिल डैडी से यही क्वेश्चन पूछा गया कि वॉट वुड यू लाइक टू बी आफ्टर ग्रोइंग अप, तो उन्होंने उस ऑफिसर को याद किया और कहा, आई वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन बींग। वॉट अ वंडरफुल आंसर, कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। नो वन लाव्ड, और ये बात सुनकर कोई भी नहीं हंसा। एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड, और लिटिल डैडी को ये बात समझ आ गई थी दैट दिस वॉज द बेस्ट ऑफ आंसर ऑफ ऑल, कि सभी आंसर्स में से ये आंसर सबसे बेस्ट है, दैट आई वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन बींग। ही स्टिल थिंक्स सो, और अभी भी वो यह सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, कि सबसे पहले बेटा आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ पायलट एंड अ शेफर्ड एंड एन आइसक्रीम मैन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी पायलट के लिए, शेफर्ड के लिए या आइसक्रीम मैन के लिए। एंड आफ्टर ऑल, और अ ह्यूमन बींग डजंट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर्स विद हिज फुट। और कहते हैं कि किसी भी इंसान को ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है या सीखने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक जो डॉग है वो किस तरह से अपने ईयर्स के पीछे स्क्रैच करता है, खुजली करता है विद हिज फुट, अपने पैर से। कोई भी डॉग अपने पैर से, अपने जो कान के पीछे खुजली करता है, एनी ह्यूमन बींग, किसी भी इंसान को डजंट रियली नीड टू नो, ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एनिमल्स, एंड वी हैव अवर हैंड्स टू डू अवर वर्क। यस स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव इंजॉयड द रीडिंग ऑफ दिस वंडरफुल लेसन। एंड वॉट हैव यू लर्नड, वॉट मॉरल वैल्यूज हैव यू got from this lesson is that whatever we want to be, it's good.
Maybe we want to be a teacher, a professor, an engineer, a doctor, whatever you want to be, go for that. But the first thing, the first and the foremost thing is that you have to be a good human being. आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए. And all this a society needs. हमारे समाज को बेटा, हमारी कंट्री को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. I hope class that you have enjoyed the reading. Thank you for watching the video. Keep on reading by your own and gain more. Thank you class. Good.